अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं काबुली चने पुलाव की रेसिपी, जो बहुत ही यम्मी लगता है। चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले चावल को भिगो देंगे। यहाँ पर हमने 4 कप चावल लिया था, इसे हमने भिगो दिया है। यहाँ पर हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 4 हरी इलायची है, इसे हमने तोड़ लिया है, 2 दालचीनी है, 1/2 इंच के पत्थर के फूल हैं, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है पुलाव में। 1/2 टीस्पून हमने शाह जीरा लिया है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 4 लौंग हैं, 1 बादियान के फूल हैं, 2 तेज़पत्ता है, 2 बड़ी इलायची हमने लिए हैं, इसे भी हमने थोड़ा तोड़ लिया है। सभी मसालों को हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर हमने 2 बड़े साइज़ की प्याज को रफली चॉप कर लिया है। अगर आपके पास प्याज छोटे हैं तो आप 3 ले लीजिए। 1 बड़े साइज़ का हमने टमाटर लिया था, अगर आपके पास साइज छोटा हो तो आप 2 ले लें। इसे हमने क्यूब में काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है। हमने 250 ग्राम पनीर लिया है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे यूज करिए वरना स्किप कर दें। यहाँ पर हमने आलू लिया है, आलू को हमने बॉईल कर लिया है। हरी मिर्च है, हमने 2 क्वांटिटी की मिर्च ली है, 1 ज़्यादा स्पाइसी है और ये कम स्पाइसी होता है, तो हम दोनों यूज करेंगे। 1 कप हमने काबुली चना लिया था, इसे हमने नाइट में भिगो दिया था और 2 प्रेशर आने तक हमने इसे कुक किया है। अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पर हमने सभी इंग्रेडिएंट को रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे और एक बड़ा भगोना लेंगे या फिर कढ़ाई, जिसमें आपको पुलाव बनाना हो आप वो ले सकते हैं। हम भगोने में ऑयल डाल दिए हैं, ऑयल भी अच्छी तरह से हीट हो चुका है। अब हम इसमें पनीर फ्राई करेंगे। बच्चों को काफ़ी पसंद है पनीर और हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है, तो हम यूज कर रहे हैं। आप इसे स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास पॉसिबल ना हो तो, और पॉसिबल हो तो आप यूज करिए, काफ़ी अच्छा लगता है। और पनीर हेल्थ के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है, काफ़ी मात्रा में इसमें प्रोटीन मिलता है। हमने होममेड पनीर की भी रेसिपी अपलोड की है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसी ऑयल में हम आलू भी फ्राई कर लेंगे। और जब आप पनीर फ्राई करें तो हल्के हाथों से उसे चलाएं ताकि टूटे नहीं। 2 मिनट हम आलू को भी फ्राई कर लेंगे एक अच्छा सा कलर आने तक। गैस की फ्लेम हमने हाई रखा था, अब गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे और सभी खड़े मसाले डालेंगे और तुरंत हम प्याज ऐड करेंगे। अगर हम हाई फ्लेम पर खड़े मसाले डालेंगे तो जो मसालों का फ्लेवर होता है, जो जायका होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो आप जब भी खड़े मसाले ऑयल में डालें और ऑयल अच्छी तरह से हीट हो तो गैस की फ्लेम आप पहले ही लो कर दें, उस बीच आप डालें। हम लगातार चलाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम प्याज को फ्राई करेंगे और थोड़ा सा प्याज हम इसमें से निकाल लेंगे बिरिस्ता गार्निशिंग के लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 2 से 3 मिनट हम इसे भूनेंगे, जो इसमें कच्चापन है वो निकल जाए। अब हम इस पर टमाटर ऐड करेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और मिर्च की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसा आप स्पाइसी खाना पसंद करते हो। अब हम इसमें बॉईल किए हुए चने ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट इसे भूनेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुका है हमें भूनते हुए। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू ऐड करेंगे और जब भी आप आलू बॉईल करें आप उसमें नमक ज़रूर ऐड करें। जब भी हम आलू बॉईल करते हैं तो छिलके हम पहले निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसे बॉईल करते हैं, तो हमें काफ़ी इजी रहता है कुकिंग में। और हम नमक ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून, हम इसमें भी नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, हमने 2 टीस्पून इसमें ऐड किया है। हमने 4 कप चावल लिया था, उस हिसाब से हम इसमें 1.25 लीटर पानी ऐड करेंगे। और चावल हमारे सॉक किए हुए हैं, हमने उसे भिगो दिया था तो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो आप उस हिसाब से पानी डालें। पानी में अच्छी तरह से बॉईल आने लगा है, अब इसमें हम पनीर ऐड करेंगे, सॉक किए हुए हम चावल ऐड करेंगे। इस पॉइंट पे आप पानी चेक कर लीजिए, अगर कम हो तो आप उसमें गर्म पानी करके ऐड करिए, बट हमने परफेक्ट डाला है।
इतने पानी में हमारा पुलाव बनकर अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा। इसमें हम मिर्च ऐड करेंगे जो हमने कम स्पाइसी लिया था। हाफ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, ये होममेड गरम मसाला है, इसकी भी वीडियो हमने अपलोड की है। अब 10 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पर इसे कवर कर देंगे। 10 मिनट हो चुका है, हम चेक कर लेते हैं। देखिए कितना परफेक्ट चावल बना है और चावल एकदम खिले खिले बने हैं। अब हम इस पर बिरिस्ता डालेंगे, हरा धनिया पत्ती डालेंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें केवड़ा पाउडर का 2 ड्रॉप डाल सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है पुलाव में, बट हमने स्किप कर दिया है। हमने पनीर भी इसमें ऐड किया है, वैसे भी काफ़ी डिलीशियस बनता है ये पुलाव। इसे हम कवर कर देंगे। हमने लो फ्लेम पर इसे 5 मिनट के लिए दम पर रखा था। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम डिसआउट कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लुक दिख रहा है। हम इसे डिसआउट कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है पुलाव से। इसके साथ हमने यहाँ पर रायता रेडी किया है। हम जब भी काबुली चना पुलाव बनाते हैं या फिर मसूर पुलाव बनाते हैं, उसके साथ रायता ज़रूर सर्व करते हैं, उससे काफ़ी डिलीशियस लगता है ये। तो आप लोग भी इस तरह से ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस देखा आपने कितना सिंपल कितना ईजी है काबुली चना पुलाव बनाना। तो गाइस अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो के आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।